नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज 24 में। रोहतास जिले से रिपोर्टरों की रिपोर्ट। तिलौतू प्रखंड के दुबौली गांव की सड़कें बदहाल, ग्रामीणों ने कहा सड़क नहीं तो वोट नहीं। तिलौतू प्रखंड के ग्राम दुबौली की सड़कें बिल्कुल खताहाल हो चुकी है। गांव के लोगों ने स्थानीय सांसद, विधायक, मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को दर्जनों बार लिखित आवेदन देने। रोहतास जिले में नहीं थम रहा अवैध बालू की डंपिंग का सिलसिला, बालू माफिया ढूंढ रहे हैं नए नए ठिकाने। सासाराम जीटी रोड पर सड़क किनारे हो रहा है अतिक्रमण, लोगों को जाम की समस्या से नहीं मिल रहा है निदान। भारतीय जनता युवा मोर्चा रोहतास जिले के मंत्री बने बलराम यादव, समाज सेवी सत्यानंद कुमार, राजू कुमार मार्कोनी, संजय कुमार आदि लोगों ने बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई दी। नोखा प्रखंड के कदवा गांव में ठनका गिरने से युवक की हुई मौत, थाना अध्यक्ष ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्रहगढ़ थाना क्षेत्र के पटवाडीह में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को जब नहीं मिली सरकारी सुविधाएं तो वीडियो वायरल कर अधिकारियों से लगाई गुहार। अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र के बिसुन बीघा पुल के निकट नहाने के क्रम में एक युवक की सोन कनाल में डूबने से हुई मौत। सासाराम के टोल प्लाजा के पास ट्रक ने बस में मारी टक्कर, हादसे में 9 लोग हुए घायल। राजपुर के प्रखंड प्रमुख अनीता देवी के नेतृत्व में लोगों ने राजपुर में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में निकाली रैली। आज रोहतास जिला में 4 नए मरीजों की पुष्टि, रोहतास जिला में मरीजों की कुल संख्या 350 हुई।